जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो विधायिका है नैना चौटाला, जो हरिचुनी चौपाल कार्यक्रम किया गया यहाँ रोहतक में, और जननायक जनता पार्टी के युवा नेता हैं सतीश चिड़ी। सतीश जी, क्या कहना चाहोगे आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो हरिचुनी चौपाल हुआ है, कैसा माहौल बनेगा आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा हरियाणा में? देखो जी, जितना अंदाजा लगाया था अंदाज से करीब दोगुनी भीड़ यहाँ पहुँची है, और खासकर महिलाएं जो माता बहनें यहाँ पहुँची हैं, सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और नैना जी को उन्होंने अपना जो जज्बा जुनून दिखाकर सबको खुश कर दिया, और बिल्कुल खुश हो के गई हैं। उन्होंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि उड्डा के गढ़ किलोई हल्के में इतनी तादाद में महिला शक्ति पहुँचेगी। बिल्कुल श्री जी, जींद उपचुनाव को लेकर के क्या कहना चाहोगे? जैसे दूसरे नंबर पर रही है जननायक जनता पार्टी, तो आगामी ऐसे में भी उसको जींद जो उपचुनाव था उसको सेमीफाइनल माना जाता था, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव होगा उसका सेमीफाइनल, तो अब क्या कहना चाहोगे ऐसे में जो विधानसभा चुनाव होगा हरियाणा में, अपनी पार्टी को कहाँ मानते हो? देखो जी, जींद में हमारे नहीं जीते हैं जी। कुछ निकम में लोगों ने अच्छे हथकंडे अपना कर जो हराने का काम किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जी, तो जो रजमाइश उन्होंने अपनी दिखा दी, लेकिन आने वाले इलेक्शन में जनता अपना बदला ले लेगी। बिल्कुल। चलिए स्थिति जी, आपकी क्या पुख्ता तैयारी चल रही है राजनीति करियर को लेकर के, आगामी क्या योजनाएं हैं आपकी? भाई ऐसे ही जो जज्बा जुनून अपना दुगुना होता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी आने वाले समय में। भाई दुष्यंत चौटाला को हरियाणा की बागडोर संभवाई। बिल्कुल। चलिए, क्या संदेश देना चाहेंगे संसार क्रांति चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को और हलका वासियों को? मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने सारे निजी स्वार्थ को छोड़ के और हरियाणा के हितों को देखते हुए जेजेपी पार्टी के साथ जुड़ें और अपना थोड़ा समय दें उनको। बिल्कुल भाई। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के युवा नेता सतीश चिड़ी, और संदेश भी दिया है कि बुराइयों को छोड़ करके जननायक जनता पार्टी की तरफ जुड़े। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए संसार क्रांति के साथ। तब तक संसार क्रांति के लिए रोहतक से मैं जय भारद्वाज।